ને કોણ આગળ લઈ જશે તે સવાલ ઊભો થયો હતો. પણ સાંસદ અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે કહ્યું છે કે તેમના પિતાએ જે કાર્યો કર્યા છે તે ભૂલી શકાય તેમ નથી અને તેઓ પિતાના સેવાકીય કાર્યોને આગળ લઈ જવા માંગે છે. બહુ આભારી હું ઇતને 3-4 દિન સે જબ મેરે પાપા કા અહેમદ પટેલજી કા ઇંતકાલ હો ગયા બહોત સેકરો લોગ આયે ઓર ઉન્હોને મુજે બોલા કી ફૈઝલ जिनका जो पापा का जो काम इतने सालों से उन्होंने किया है वो कौन लेगा आगे. तो हम तो पापा के शूज़ में नहीं बैठ आ सकते हैं. उन्होंने जो जितना काम किया है वो हमारे लिए तो मुश्किल होगा करने के लिए. लेकिन लोगों से बात करने के बाद मुझे बस एक एक चीज़ समझ आए कि उनकी लेगेसी जो हमें ले जानी है आगे MP और MLA बन के नहीं होगी. उनका लेगेसी है लोग समाज का काम करना और गरीब आदमी का काम करना. और यही मेरी और मेरी बहन मुमताज हम दोनों यही आगे करना चाहेंगे. मैं शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ सब लोगों का कि उन्होंने पापा की श्रद्धांजलि में इतना सपोर्ट दिया और मुझे आशा है कि हम लोग पापा का काम और भी आगे बढ़ाएं. सांसद अहमद पटेल खास करीने गरीब अने आदिवासी विस्तारों में खास सक्रिय रहता था. તેમણે ડેડિયાપાડાના અંતરિયાળ ગામ વાંદરીને દત્તક લઈ ત્યાંના લોકોનું જીવન બદલી નાખ્યું છે. મરહુમ સાંસદ અહેમદ પટેલની પુત્રી મુમતાઝે પણ વાંદરી ગામ તથા તેમના પિતા જ્યાં સેવા કાર્ય કરતા હતા ત્યાં તેમની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખવાની જાહેરાત કરી છે. હાલ તો બંને ભાઈ અને બહેન રાજકારણમાં સક્રિય થવાનો કોઈ ઈરાદો ધરાવતા નથી. નમસ્તે. મારા પૂજ્ય પિતાજી માટે અપાર પ્યાર મેં 5 દિવસથી જોયું છે. मैंने मेरे पिताजी को खोया है पर हमें अब समझ आ रहा है कि सिर्फ मैंने ही नहीं पर कितने लोगों ने एक भाई, एक परिवार का मुखिया, एक पिता समान शख्सियत खोया है. लोग आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं और हमें उन्हें संभालना पड़ रहा है. इतना प्रेम, इतना प्यार देखकर दिल भर आया है. फैसल और मैं समझे हैं कि पापा को जिस तरह शायद दिल्ली में देखते थे एक बड़े शख्सियत की तरह, वो मेरे पापा की पहचान नहीं है. यहाँ पे पापा ने इतने लोगों का दिल छुआ है, जितने लोगों के लिए काम किया है. अभी कोविड के वक्त भी आज मुझे कुछ लोग बता रहे थे एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल में बैठे बैठे पापा ने कितने लोगों का इलाज खुद बीमार होते हुए कराया है. ये जो उनकी भावना थी और ये जो उनका मकसद था कि वो लोगों की मदद कर सके, वो गरीबों की तरफ अपना हाथ, गरीबों के सर पे अपना हाथ रख सके, ये काम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप और आपके भाई, आप पापा का लेगेसी को आगे लेकर बढ़ें. पर इस वक्त हम ये कहना चाहते हैं, पापा की खुद की फैमिली फाउंडेशन रही है हेल्थ एजुकेशन में. पापा बहुत सारी जगह पे और सोशल वर्क कर रहे थे. उनका जो गांव था वांद्री, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, उन सब जगहों पे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहीं हम अपना काम करना चाहेंगे और पापा का नाम आगे लेकर जाना चाहेंगे. हम चाहते हैं पापा को इस तरीके से लोग पहचाने और इस तरीके से जाने और याद रखें. और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा उनका बहुत सपोर्ट किया है. तो मेरे तरफ से आप सबको शुक्रिया बहुत बहुत. और